अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 10 है सॉल्यूशन एंड कोलाइड्स, और उसका पहला लेक्चर जो है आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। और सॉल्यूशन और कोलाइडल के बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल में स्टडी करेंगे कि सॉल्यूशन किसको कहते हैं, सॉल्यूशन की कितनी टाइप्स होती हैं, सॉल्यूशन के कौन से कंपोनेंट होते हैं और कौन से फैक्टर होते हैं जो सॉल्यूशंस बनाते वक्त उसको अफेक्ट कर सकते हैं, और इसी तरीके से इससे रिलेटेड कुछ लॉज वगैरह हैं वो भी हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो सॉल्यूशन एंड कोलाइडल का हमारे पास न्यू चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि इसका फर्स्ट लेक्चर जो है आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। और सबसे पहले भी हम सॉल्यूशन को स्टार्ट करेंगे। तो सॉल्यूशन कहते हैं, सॉल्यूशन की डेफिनेशन हमारे पास क्या होती है? सॉल्यूशन की डेफिनेशन हमारे पास ये है कि सॉल्यूशन हमारे पास एक ऐसा मिक्सचर होता है या होमोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें दो कंपोनेंट को आपस में मुख्तलिफ रेशो में मिक्स किया जाता है और वो एक ही स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उसको हम सॉल्यूशन कहते हैं। और इसमें हमारे पास एक होमोजीनियस मिक्सचर बनता है। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब हमारे पास एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें हमारे पास दो डिफरेंट जो कंपोनेंट होते हैं किसी भी मिक्सचर के, वो दोनों के दोनों एक ही स्टेट में मौजूद होते हैं, या तो दोनों के दोनों लिक्विड में होंगे या दोनों के दोनों सॉलिड में हो जाएंगे मिक्स होने के बाद, या दोनों के दोनों सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे मिक्स होने के बाद। तो एक हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर आपके पास जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। यानी कि दी होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू डिफरेंट सब्सटेंस कंसिस्टिंग ऑफ मॉलिक्यूल एंड आयंस, मॉलिक्यूल और आयंस, जरूरी नहीं है कि दोनों चीजें हमारे पास एट अ टाइम मौजूद हो, मॉलिक्यूल और आयंस हमारे पास हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। सॉल्यूशन के दो हमारे पास कंपोनेंट होते हैं, यानी कि आपके पास जो कि एक से ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन कंपोनेंट इसके दो ही हमारे पास होते हैं, एक सॉल्यूट होता है और दूसरा हमारे पास सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूट किसको कहते हैं और सॉल्वेंट किसको कहते हैं, इसको भी हम आगे स्टडी करेंगे। सबसे पहले यहां पर एक चीज मैं बताता चलूं, सॉल्यूट है और दूसरा हमारे पास क्या है, सॉल्वेंट है। इन दोनों में से अगर आप इन दोनों की आप स्पेलिंग को चेक करें तो सॉल्यूट के स्पेलिंग आपके पास 6 है जबकि सॉल्वेंट के स्पेलिंग 8 हमारे पास मौजूद है, तो हमारे पास 7 हमारे पास है। तो हमारे पास जो सॉल्यूट है जिसके स्पेलिंग कम है तो वो सॉल्यूशन बनाने में वो लेस हमारे पास जो है अमाउंट में आपके पास यूज होगा, और जिसके स्पेलिंग ज्यादा है वो ज्यादा हमारे पास जो है एक लिहाज से कंसंट्रेशन में ज्यादा अमाउंट में यूज होगा। इसी आपके पास स्लाइड में आपको बैकग्राउंड में आपके पास एक कप नजर आ रहा होगा जिसमें वाटर मौजूद है और इसके अंदर आपके पास जो है शुगर डाली जा रही है इसमें एक इसका सॉल्यूशन बनाने के लिए, तो जो शुगर है वो लेस अमाउंट में यूज की जाएगी और जो वाटर होगा वो आपके पास ज्यादा अमाउंट में यूज किया जाएगा, ज्यादा कंसंट्रेशन में होगा। तो जो ज्यादा में है तो जिसके स्पेलिंग ज्यादा है वो ज्यादा से रिलेटेड है, जिसके स्पेलिंग कम है वो कम से रिलेटेड होगा। तो मतलब सॉल्वेंट का ताल्लुक वाटर से और सॉल्यूट का ताल्लुक आपके पास इस शुगर से इस वक्त मौजूद है। तो हम इसको फर्दर अभी आपके पास डिफाइन करेंगे और इसके आपके पास एग्जांपल को भी डिस्कस करेंगे कि क्या क्या होते हैं। तो सॉल्यूट की डेफिनेशन क्या हमारे पास होती है, मैं भी बता भी चुका हूं, द कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन व्हिच इज इन लेसर अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्यूट, यानी कि सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट जो कम मिकदार में मौजूद होता है सॉल्यूशन के अंदर उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्यूट कहते हैं। सॉल्यूट आपके पास जो है वो मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और वो आयन भी हो सकते हैं, क्योंकि वो डिपेंड करेगा कंपाउंड की नेचर के ऊपर कि कंपाउंड की नेचर क्या है। यानी कि सॉल्यूट आपके पास कोई मॉलिक्यूल भी हो सकता है और कोई आयन भी हो सकता है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, यानी कि इनमें से कोई भी एक हो सकता है। तो वो आपके पास उसकी नेचर पर डिपेंड करेगा कि कौन सा कंपाउंड का आप सॉल्यूशन बना रहे हैं। अगर हमारे पास कंपाउंड आयोनिक है तो आयोनिक कंपाउंड्स हमारे पास सॉल्यूशन के अंदर आपके पास मिक्स होने के बाद, डिसॉल्व होने के बाद आयन में चेंज हो जाते हैं, उनके दो आयन बन जाते हैं, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन्स बन जाते हैं। तो हमारे पास ऐसे आपके पास सॉल्यूट आपके पास जो है जिसमें आपके पास आयोनिक बॉन्ड मौजूद हो या आयोनिक नेचर मौजूद हो, तो उसको अगर आप किसी सॉल्वेंट में डालेंगे तो आपके पास वो आयन में चेंज हो जाएगा, तभी उसका सॉल्यूशन
सॉल्यूशन बनेगा। तो इस लिहाज से अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो हमारे पास सोडियम क्लोराइड हो गया, पोटाशियम क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, या मैग्नीशियम कार्बोनेट्स हमारे पास हो गया, सोडियम कार्बोनेट हो गया, या हमारे पास एल्यूमिनियम ब्रोमाइड हो गया, आपके पास बेरियम आपके पास हो गया, तो क्लोराइड्स वगैरह हो गए। तो ये सारे के सारे आयोनिक कंपाउंड्स हैं और ये आपके पास डिजोल्व होने के बाद आयंस में क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर आयोनिक नेचर मौजूद है। तो डिफरेंट और भी बहुत सारे हमारे पास आयोनिक जो है वो सॉल्यूट मौजूद होते हैं। फिर हमारे पास जो है जो मॉलिक्यूल के फॉर्म में होते हैं, उनमें आपके पास मॉलिक्यूल के फॉर्म में जो आपके पास सॉल्वेंट के अंदर या सॉल्यूशन में मौजूद होते हैं सॉल्यूट, तो वो ज्यादातर उनमें कोवलेंट नेचर मौजूद होते हैं, वो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं और वो आपके पास आयन में चेंज नहीं होते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल इसकी है ग्लूकोस आपके पास हो गया, अल्कोहल हो गया, ऑयल हो गया, ये आयन में चेंज नहीं होते हैं क्योंकि इनके आपके पास परमानेंट यानी कि स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बांड मौजूद होते हैं और लैपिंग की वजह से बने हुए होते हैं, तो जिसकी वजह से ये अलग अलग नहीं होते। जैसे ग्लूकोस का फॉर्मूला C6 है और H12O6 है, तो ऐसा नहीं है कि कार्बन अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा या ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, नहीं, बल्कि ये इसी फॉर्म में ही रहेंगे और हाइड्रोजन बाइंडिंग की वजह से जो है वो सॉल्वेंट के साथ जो है आपके पास सॉल्वेंट के अंदर वो डिजोल्व हो जाते हैं, तो ये सॉल्यूट आ जाता है। सॉल्यूट हमारे पास वो है जो लेस अमाउंट में यूज होता है, और आपके पास सॉल्यूट मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है। आयनिक अगर कंपाउंड होगा तो वो सॉल्यूट जो है आयन में चेंज हो जाएगा, और कोवलेंट कंपाउंड होगा तो वो मॉलिक्यूल की स्टेट में रहेगा। नेक्स्ट हम आते हैं आपके पास सॉल्वेंट की तरफ के, सॉल्वेंट किसको कहते हैं। सॉल्वेंट जो है वो हमारे पास जो जिसकी स्पेलिंग भी ज्यादा है, जो आपके पास लार्ज अमाउंट में आपके पास जो है सॉल्यूशन के अंदर मौजूद होता है, या सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट जो ज्यादा अमाउंट में इस्तेमाल हो रहा होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। वो हमारे पास क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। सॉल्वेंट की भी टाइप्स हो सकती हैं, पोलर सॉल्वेंट हो सकता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट आपके पास हो सकता है। तो जो पोलर सॉल्वेंट होते हैं वो पोलर सॉल्यूट को डिजोल्व करते हैं, और जो नॉन पोलर होते हैं वो नॉन पोलर को डिजोल्व करते हैं। पोलर हमारे पास जो सॉल्वेंट होते हैं वो ज्यादातर हमारे पास जो है वो वाटर हो गया, मिथाइल अल्कोहल हो गया, एसीटोन वगैरह हो गया। फिर नॉन पोलर सॉल्वेंट भी आपके पास मौजूद है, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट जो है वो हमारे पास बेंजीन हो गया, हेक्सेन हो गया, ईथर हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड्स हमारे पास हो गया, तो ये हमारे पास जो है क्लियर से नॉन पोलर जो है वो सॉल्वेंट मौजूद होते हैं। फिर हम सोल्यूशन की अगर टाइप्स को भी डिस्कस करें तो हमारे पास शुगर का सोल्यूशन यानी कि वाटर के अंदर हम इसको बनाते हैं, साल्ट सोल्यूशन भी होता है, पेंट और ईथर सोल्यूशन होता है, यानी कि हम पेंट के अंदर ईथर जब डाल देते हैं तो उसका भी एक सोल्यूशन हमारे पास बन जाता है, होमोजीनियस बन जाता है। ये दोनों के दोनों नॉन पोलर हैं, तो इजिली आपके पास एक दूसरे को डिजोल्व एक दूसरे में कर लेते हैं। फिर हाइड्रोकार्बन जो हमारे पास है वो गैसोलीन आपके पास जो पेट्रोल वगैरह है, तो उसके अंदर भी वो आपके पास डिजोल्व हमारे पास हो जाते हैं। तो इस लिहाज से हमारे पास सॉल्यूट एंड जो सॉल्वेंट्स आपके पास हैं, तो उनकी डेफिनेशन है और उनकी एग्जांपल है और उनकी टाइप्स आपके पास आ जाती हैं। फिर नेक्स्ट हम मूव करते हैं डिफरेंट टर्म्स की तरफ जो आपके पास इस चैप्टर में यूज हो रही है, शुरू में आपके पास जो है पेज पर यूज हो रही है, तो उसके हवाले से हम स्टडी यहां पर अभी हम करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास आपको ये मालूम होना चाहिए था एक्वस, एक्वस आपके पास सॉल्यूशन हम किसको कहते हैं। एक्वस सॉल्यूशन आपके पास वो होता है जो हम वाटर में बनाते हैं। जैसे अभी आपको पीछे आपके पास जो है बैकग्राउंड में नजर भी आ रहा होगा कि सोडियम क्लोराइड है, अगर हम इसको वाटर में डालते हैं तो हमारे पास ये एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा, इसमें यह हल हो जाएगा, डिजोल्व आपके पास हो जाएगा, इसको एक्वा सॉल्यूशन कहते हैं। और अगर आप वाटर के अलावा कोई और सॉल्वेंट लेते हैं उसमें कोई आप सॉल्यूट डिसॉल्व करते हैं तो उसको नॉन एक्वस आपके पास जो है सॉल्यूशन आपके पास कहा जाता है। तो इसी हवाले से हम यहां पर टर्म एक आपके पास एक्सप्लेन करेंगे, द सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस इन वाटर इज कॉल्ड एक्वा सॉल्यूशन, और द सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस इन अदर सॉल्वेंट एक्सेप्ट वाटर इसका नॉन एक्वस सोल्यूशन। वो हमारे पास क्या होगा, एक नॉन एक्वस सोल्यूशन होगा, और अगर वाटर में आप बनाएंगे तो वो एक्वस सोल्यूशन आपके पास होगा। फिर ये है कि वाटर में आप जितनी अमाउंट डालते हैं वो अमाउंट कंसंट्रेशन खिलाती है उसकी, उसके लिए जो टर्म यूज करते हैं वो कौन सी टर्म यूज करते हैं, कंसंट्रेशन की हम जो है टर्म यूज करते हैं। यानी कि द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्वेंट और सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जो उस सॉल्यूशन के अंदर जितनी अमाउंट मौजूद होगी वो उसकी कंसंट्रेशन आपके पास खिलाएगी। जैसे अगर आप इसी बैकग्राउंड में जो फिगर देखें, अगर 30 ग्राम आप 100 ml वाटर में डिजोल्व कर रहे हैं, 100 ml ऑफ वाटर में डिजोल्व कर रहे हैं, और इसी तरह 40 ग्राम जो है आप सोडियम क्लोराइड के 100 ml में डिजोल्व कर रहे हैं, तो लाजमन इनकी कंसंट्रेशन में फर्क है, एक की कंसंट्रेशन ज्यादा है और एक की कंसंट्रेशन
कम है, इसको हम उसकी कंसंट्रेशन कहेंगे, यानी कि पर ml आपके पास उसकी क्या कंसंट्रेशन हमारे पास बन रही है। फिर हमारे पास कंसंट्रेशन के फिर यूनिट भी आते हैं, उस हवाले से भी हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। मोलैरिटी हो गया, मोलैलिटी आपके पास हो गया, और परसेंटेज कंपोजिशन वाइज आपके पास भी जो है इसके यूनिट्स हमारे पास मौजूद हैं, या पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन के हवाले से भी इसके यूनिट्स हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो उस हवाले से हम इसके आपके पास सॉल्यूशन बनाते हैं कंसंट्रेशन की बेस के ऊपर। तो 30 ग्राम आपके पास सोडियम क्लोराइड अगर 100 ml में डालेंगे, 40 ग्राम डालेंगे, एक कंसंट्रेशन ज्यादा एक ही कम है। जे इन अगर आप देखें दोनों में सॉल्यूट सेम है और सॉल्वेंट भी सेम है, तो इसमें से आपके पास जब ये 30 ग्राम का बन रहा है और 40 ग्राम का बन रहा है, तो सॉल्यूशन जो बन रहा है एक इसमें से डाइल्यूट होगा और एक इसमें से कंसंट्रेटेड हो जाएगा। जिसमें कम अमाउंट मौजूद होगी तो उसको हम कहेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन कहेंगे, यानी कि द सॉल्यूशन व्हिच इज रिलेटिवली लेसर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज कॉल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन। यानी कि इसमें रिलेटिव हमने आपके पास वैल्यूज लेनी है, यानी कि दो सॉल्यूशन को कंपेयर करके ही हम बता सकते हैं कि एक डाइल्यूट है और दूसरा आपके पास क्या है, कंसंट्रेटेड आपके पास है। किसी एक सॉल्यूशन को आप नहीं कह सकते हो ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है या कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, दो सॉल्यूशन को कंपेयर करके, यानी कि 30 और 40 को जब मैं कंपेयर करता हूं तो 30 मेरे पास डाइल्यूट आपके पास होगा और 40 क्या बन जाएगा, वो कंसंट्रेटेड बन जाएगा जिसमें अमाउंट ज्यादा मौजूद है, यानी कि द सॉल्यूशन व्हिच इज रिलेटिवली लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। इसी तरह अगर आप इसी बैकग्राउंड में जो फिगर आपके पास मौजूद है, यानी कि 40 ग्राम और 100 ग्राम, इनको अगर आप कंपेयर करें तो इनमें से भी डाइल्यूट कौन होगी, अब इसमें से 40 ग्राम जो है वो डाइल्यूट हो जाएगी और जो 100 ग्राम वाला आपके पास सॉल्यूशन होगा वो कंसंट्रेटेड हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपके पास अमाउंट ज्यादा मौजूद है इन दोनों को कंपेयर करने से। यानी कि जो ऊपर वाले के साथ जो आपके पास कंसंट्रेटेड था, अब वो नीचे वाले के साथ किस में चेंज हो चुका है, डाइल्यूट में चुका है। इसलिए हम इसको रिलेटिव मेजरमेंट इसकी करते हैं कि कौन सा डाइल्यूट है और कौन सा कंसंट्रेटेड है। तो ये कुछ टर्म्स हैं, और इसी हवाले से एक और आपके पास एग्जांपल भी इसी तरीके से डिस्कस कर लेते हैं। तो एग्जांपल में अगर आपके पास दो हमारे पास सॉल्यूशंस आपके पास मौजूद हैं, एक आपके पास 5% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर हो तो वो डाइल्यूट है, देन 10% ऑफ शुगर सॉल्यूशन, यानी कि जिसमें 10% शुगर मौजूद है तो वो कंसंट्रेटेड होगा और 5% वाला क्या है, डाइल्यूट हमारे पास है। फिर इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट देखें तो 10% वाला आपके पास फिर आपके पास डाइल्यूट हो जाता है किसके मुकाबले में, देन द 20% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर। तो इस तरीके से हम रिलेटिव आपके पास स्ट्रेंथ को आपके पास क्या करते हैं, डिस्कस के पास किया जाता है। तो इस तरीके से डिफरेंट और एग्जांपल्स भी हमारे पास हो सकती हैं, इसमें भी आपके पास सिर्फ उसको डेफिनेशन को थोड़ा सा आपके पास या एग्जांपल को थोड़ा सा चेंज कर किया गया कि 20% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर इज कंसंट्रेटेड, 20% वाला लाजमन उसमें ज्यादा आपके पास शुगर मौजूद है तो वो कंसंट्रेटेड होगा, देन द 10% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर आपके पास उसके मुकाबले में वो ज्यादा आपके पास हो जाएगा। फिर एक और प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं डिससॉल्यूशन कहते हैं, यानी इस पूरे फिनोमेना को जब सॉल्यूट को आप सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे फिनोमेना को क्या कहा जाता है, डिससॉल्यूशन आपके पास कहते हैं। तो ये भी एक टर्म है जो आपके पास यहां पर यूज होती है कि डिसोल्यूशन किसको कहते हैं, यानी कि इस पूरे प्रोसेस को जब आप सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे होते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, डिससॉल्यूशंस कहेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास आती है, इसके डिफरेंस हमारे पास आता है, दो इंपॉर्टेंट टर्म हमारे पास मौजूद है, एक आपके पास हाइड्रोफिलिक आपके पास है और एक हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक क्या है और हाइड्रोफोबिक क्या है, बायो में भी आप इसको स्टडी कर चुके होंगे कि हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक क्या होते हैं, इनके दरमियान का हम डिफरेंस अभी हम देखेंगे कि क्या डिफरेंस है। हाइड्रो मीन वाटर होता है, फिलिक मीन लवर होता है, यानी कि वाटर लविंग, और हाइड्रोफिल वाटरफोबिक आपके पास हेटर आता है, हेटिंग आता है, वाटर हेटिंग यानी कि वाटर से हेट करने वाली चीज। तो वाटर हेटर या वाटर लविंग का आपके पास जो यहां पर कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे वो ये डिस्कस करेंगे कि अगर कोई चीज वाटर में डिजोल्व हो रही है तो इसका मतलब है वो वाटर लविंग है, यानी कि वाटर के साथ वो अट्रैक्शन शो कर रही है, और अगर कोई चीज वाटर में डिजोल्व नहीं हो रही है यानी कि आपके पास उसमें वो एक अलग लेयर बना रही है, उसके अंदर वो डिसॉल्व नहीं हो रही, उसके साथ उसकी प्रॉपर अट्रैक्शन नहीं हो रही, इसका मतलब है वो वाटर हेटर है, यानी कि वो हाइड्रोफोबिक आपके पास हो जाएगी। तो हमारे पास जो चीज़ें वाटर में आपके पास एक लिहाज से अट्रैक्ट होती हैं, उसकी तरफ मूव करती हैं और उसके साथ बाड़ बनाती हैं, तो उसको हाइड्रोफिलिक कहते हैं हम। और जो आपके पास वाटर के साथ मूव यानी कि अट्रैक्शन शो नहीं करती हैं बल्कि वहाँ पर रिपल्जन करती हैं टूवर्ड वाटर, आपके पर रिपल्जन शो करती हैं नॉन पोलर आपके मां नेचर की वजह से, तो उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिक आपके पास कहा जाता है। तो हमारे पास जो इसमें बॉन्डिंग वगैरह हमारे पास होती है जो हाइड्रोफिलिक होते हैं उसमें या तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है या आयन डाइपोल फोर्स वहां पर बन जाती है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान, सॉल्वेंट तो वाटर है
तो जो सॉल्यूट आप उसमें ऐड कर रहे हो वो या तो हाइड्रोजन बांड बना लेता है या आयन डाइपोल फोर्स बना लेता है, जबकि आपके पास इसमें हाइड्रोफोबी में किसी किस्म की कोई अट्रैक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रही होती है, जिसकी वजह से आपके पास जो है वो अलग रहते हैं, वो उसमें डिजोल्व नहीं हमारे पास होते हैं। तो ये आपके पास तकरीबन सोल्यूबल हो जाते हैं हाइड्रोफिलिक जितने भी होते हैं वाटर में, जबकि हाइड्रोफोबिक जो है वो सारे सारे क्या होते हैं, इन सोल्यूबल आपके पास होते हैं, वो इसमें हल नहीं होते हैं। फिर इसकी हाइड्रोफिलिक की जो एग्जाम्पल अगर हम देखें तो शुगर हो गया, अल्कोहल हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, ये हाइड्रोफिलिक कंपाउंड है। शुगर और अल्कोहल जो आपके पास ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए से वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, जबकि जो सोडियम क्लोराइड है ये आयन डाइपोल फोर्स बनाता है, क्योंकि सोडियम क्लोराइड आयन में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से आपके पास ये आयन डाइपोल फोर्स बनाता है। सोडियम अलग हो जाता है, क्लोराइड अलग हो जाता है, और वाटर के आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव पोल के साथ इनकी अट्रैक्शन होती है। तो जो हमारे पास हाइड्रोफोबिक है वो फैट हो गया, ऑयल हो गया, अल्केन हो गया, ये आपके पास वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, इनमें से कोई भी डिसॉल्व वाटर में आसानी से नहीं होता है, इसलिए इनको हम हाइड्रोफोबिक कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो इसकी इसका डिफरेंस आ जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, इसके कोई से डिफरेंस पूछे जा सकते हैं जो तो आपको मालूम होना चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट एक टर्म हमारे पास है, आपके पास एम्फीपैथिक कंपाउंड कौन से होते हैं। एम्फीपैथिक कंपाउंड आपके पास वो कंपाउंड होते हैं जिस मतलब वो कंपाउंड तो एक कंपाउंड हो और उसके अंदर हाइड्रोफिलिक एंड भी मौजूद हो, हाइड्रोफोबिक एंड भी मौजूद हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, आपके पास एम्फीपैथिक कंपाउंड कहते हैं, यानी कि जिसके दोनों एंड मौजूद हो, हाइड्रोफिलिक भी हो और हाइड्रोफोबिक भी मौजूद हो, तो उसको हम एम्फीपैथिक कंपाउंड कहते हैं। वो हमारे पास क्या होता है, एम्फीपैथिक कंपाउंड्स होता है। इसकी मिसाल ऐसे है कि जैसे हम अगर ऑयल अगर आपके पास है, ऑयल को आपके हाथ पे लगा हुआ हो, अगर आप अपने हाथ को धोएं तो वाटर के साथ, तो वो ऑयल आपके हाथ से उतरेगा नहीं सही मायनों में, तो क्योंकि वाटर हमारे पास जो मौजूद है वो आपके पास एक लिहाज से पोलर है और ऑयल आपके पास नॉन पोलर है, जिसकी वजह से उनकी अट्रैक्शन नहीं हो पाती आपस में। हम क्या करते हैं, सोप की मदद लेते हैं और सोप के जरिए से हम उसको वॉश करते हैं। अभी सोप आपके पास जो है अगर नॉन पोलर हो तो उसको तो वाटर में डिसॉल्व नहीं होना चाहिए, लेकिन वो वाटर में भी डिसॉल्व हो रहा है, साथ साथ ऑयल को भी वॉश कर रहा है, क्योंकि सोप के आपके पास दो एंड आपके पास मौजूद होते हैं, क्योंकि वो हमारे पास सोडियम पोटाशियम, सोडियम या पोटाशियम और आपके पास का साल्ट होता है फैटी एसिड के साथ, और फैटी एसिड जो हमारे पास है वो तकरीबन जो है वो एक लिहाज से आप कह सकते हैं कि वो आपके पास नॉन पोलर चेन हमारे पास होती है हाइड्रोकार्बन की, और उनमें आपके पास सोडियम पोटाशियम आपके पास उसके कार्बोक्सिलिक ग्रुप से अटैच होता है, तो वहां पर वो पोलर एंड बना रहा होता है, तो उसका हेड जो है आपके पास वो पोलर है और उसकी जो टेल है वो नॉन पोलर है, यानी कि उसमें दोनों एंड मौजूद हैं, पोलर एंड भी मौजूद है, नॉन पोलर एंड भी मौजूद है, यानी कि हाइड्रोफिलिक एंड भी मौजूद है और हाइड्रोफोबिक एंड भी मौजूद है, दो एंड होने की वजह से, तो उसका जो हेड हमारे पास है तो वो आपके पास एक लिहाज से हाइड्रोफिलिक होगा और उसकी जो टेल है वो हाइड्रोफोबिक होगी, जिसकी वजह से वो अट्रैक्शन शो करते हैं, और जो आपके पास डिटर्जेंट आपके पास जितने भी हैं उनके अंदर ये दो आपके पास एंड होने की वजह से वो आपके पास किसी भी डर्ट वगैरह को अपने साथ वॉश कर लेते हैं, अपने साथ इनके डिसॉल्व करके अलग कर लेते हैं जिस चीज के साथ वो पहले लगे हुए हों। तो ये हमारे पास एक लिहाज से हमारे पास आपके पास एम्फीपैथिक कंपाउंड्स आपके पास है जो सोप वगैरह हमारे पास है, तो इसको एम्फीपैथिक कंपाउंड कहते हैं। तो ये एक इंट्रोडक्शन हो जाता है सॉल्यूशन के चैप्टर का, इसमें हमने सॉल्यूशन को डिफाइन किया, और होमोजेनियस मिक्सचर आपको पता होना चाहिए, हेटेरोजेनियस मिक्सचर वो होता है जिसमें दोनों आपके पास सॉल्यूट सॉल्वेंट एक ही स्टेट में मुकम्मल तौर पर मौजूद ना हो, तो उसको हेटेरोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। तो होमोजेनियस का भी हमने स्टडी किया, हमने सॉल्यूट को सॉल्वेंट्स को भी स्टडी किया, और हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक को भी आपके पास स्टडी किया, और कुछ और डेफिनेशन भी हमारे पास थी उनको भी हम स्टडी कर चुके हैं। अगर इस हवाले से आपको कुछ चीज़ ना समझ आई हो तो आप उसको मुझे इनबॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको सेटिस्फाई कर सकूँ। थैंक्स।